हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठे सीबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने अधिकतर क्वेश्चन बता दिए हैं और यहाँ पर अब आपके लिए दो प्रश्न बचे थे, वो भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, वो आपके लिए बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पहला है, 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, 16वां प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया गया है, चार बिंदु आपके दिए गए हैं, वो भी आयत के शीर्ष हैं। तो मैं एक आयत बना लेता हूं इस तरीके से, एक आयत है, इसको मैं मान लेता हूं यहां पर ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। इसके कोऑर्डिनेट यहां पर है -1, 1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट है -1, 4 और सी के कोऑर्डिनेट है यहां पर 5, 4 और डी के कोऑर्डिनेट है यहां पर 5, -1। ये है। अब आपके लिए क्या करना है, अब ये पी क्यू आर एस क्रमशः इसकी भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। यानी ए बी का मध्य बिंदु है पी, एक पी मध्य बिंदु है इसका, और इसी तरीके से एक बी सी पर मध्य बिंदु है क्यू और एक सी डी पर मध्य बिंदु है आर और एक है एस इस ए डी पर। तो यहां पर आपके लिए क्या है कि इनको अगर मिला दें तो ये क्या बनेगा, ये आपको बताना है, ये क्या बनेगा आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे बेटा, यहां पर देखिए, सबसे पहले हम पी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए, पी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। अब आप लिखिए यहां पर ए और बी के मध्य बिंदु, पहले तो आप ये लिखिए -1 है और -1 है और दूसरा है आपके लिए -1, 4। ये है, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहां पर इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। अब आप यहां पर निकाल लीजिए, पहला होता है x1 + x2/2, यानी x1 का मान है -1 और प्लस और दूसरा -1 और बटे में x1 x2 और बटे में 2। फिर y1 y2, y1 का मान है -1 और प्लस y2 का मान है यहां पर आपके लिए 4 और बटे में 2। तो आप देखिए -1 और ये प्लस की गुणा -1 से हो जाएगी, तो -1/2 यहां पर हो जाएगा, 4 में से 1 गया, यहां पर हो जाएगा आपके लिए 3/2, यहां 1 और 1 कितना हो जाएगा -2 और बटे में 2। इस तरीके से यहां हो जाएगा 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -1, 3/2। ये पी के कोऑर्डिनेट आ गए, किसके आ गए, पी के कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से जब पी के आ गए तो आप क्यू के निकाल लोगे, क्यू मध्य बिंदु निर्देशांक, तो क्यू के निकाल लेते हैं। यहां पर लिखेंगे हम क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक। तो क्यू के निर्देशांक अगर निकालेंगे तो क्यू के लिए ये वाले बिंदु आते हैं, तो हम लिख लेंगे -1, 4 और दूसरा है 5, 4 सी वाला बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको x1, इसको y1 मान लेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। x1 + x2 करेंगे, यानी -1 + 5/2, 4 + 4 और बटे में 2, तो ये 5 में से 1 गया 4/2 और यहाँ पर 4 और 4 8/2, तो 2 से ये कट जाएगा 4 बार में और 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर 4। ये आ गए Q के बिंदु, है ना, Q के बिंदु आ गए। इसी तरीके से हम R के निकालेंगे, तो R के लिखेंगे R के बिंदु, ये Q के बिंदु आ गए, ये P के बिंदु आ गए। अब R के लिखेंगे R के बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। कैसे निकालेंगे R के लिए, इसको 5, -1 और यहां पर C है 5, 4। अब निकालेंगे इनके बीच, इनको जोड़िए, इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2 और इसको मानिए y2। तो x1 + x2/2 यानी 5 + 5/2 और कॉमा -1 + 4/2 y1 + y2/2।
तो यहाँ पर हो जाएगा पांच पांच दस, दस बटे दो, और यहाँ पर हो जाएगा चार में से एक गया तीन बटे दो, तो दो पंजे दस, ये हो जाएगा पांच कोमा तीन बटे दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब हमें निकालने एस बिंदु के निर्देशांक, तो हम एस के निकालेंगे। देखिए ध्यान से, एस के निर्देशांक, एस के निर्देशांक निकालेंगे तो हमें लेना पड़ेगा माइनस वन कॉमा वन, और फिर आप दूसरा लेना पड़ेगा पांच कॉमा माइनस वन, ये वाला। अब इनके बिंदु निकाल लेंगे, इसको एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स टू, इसको वाई टू। तो आप देखिए यहां पर माइनस का वन और प्लस का यहां पर हो जाएगा पांच बटे में दो, फिर हो जाएगा आपके लिए वन और प्लस करके माइनस वन अपॉन टू, ये आ जाएगा। तो पांच में से एक गया चार बचा बटे में दो, और इसी तरीके से यहां पर देखिए वन और प्लस की गुणा माइनस से वन अपॉन टू, ये हो जाएगा आपके लिए चार बटे दो, यानी दो से कट जाएगा, तो दो कामा ये जीरो हो जाएगा, ये पूरी तरीके से जीरो हो गया। ठीक है, तो दो कामा जीरो इसके आ गए एस के निर्देशांक। अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए सभी पॉइंट आ गए, आपके लिए पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, सब पी क्यू आर एस आ गए। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, जैसे पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है और पी एस, इनके सबके बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं, लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहां पर पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। अब पी बिंदु है हमारे पास माइनस एक कॉमा तीन बटे दो, और इसी तरीके से यहां पर अब पी और क्यू का मान है दो कॉमा चार, ये है इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, यानी दो माइनस एक करोगे तो दो माइनस एक करोगे तो भी ये प्लस वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, और जब माइनस का ब्रैकेट में होता है और ये माइनस का करोगे तो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 4 माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 एक 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 चक्के 8, 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिके 9 और प्लस 5 25 और बटे में 2 दूनी 4। तो यहाँ पर इसको करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करना है, 9 चक्कू 36 ये हो जाएगा, और प्लस 25 और बटे में चार, यानी ये हो जाएगा आपके लिए 6 5 11 का 1 और 3 2 5 1 6 61 और बटे में 4 आ गया। रूट 61 अपॉन 4 आ गया, तो हम 61 को ऐसे ही रहने देंगे, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी रूट 61 अपॉन 2 जो है आपकी दूरी आ गई। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है, अब आपके लिए दूसरी डिस्टेंस निकालना है, यानी हमने P से Q की दूरी निकाल ली, अब Q से R की दूरी निकाल लेते हैं। तो Q से R की दूरी निकालेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों यहां पर अब हम निकालेंगे PQ के बीच की दूरी रूट 61 अपॉन 2 आई, अब हम निकालेंगे QR के बीच की दूरी। तो मैं लिखूंगा QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी। तो देखिए मैं QR के बीच की दूरी निकालूंगा बेटा, Q का मान हमारे पास है 2 कॉमा 4 और R का मान हमारे पास है 5 कॉमा 3 बटे 2, 5 कॉमा 3 बटे 2 ये है। तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे y2 माइनस y1, यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 बटे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपके, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 दूनी 8 और बटे में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिके 9 और प्लस 8 में से 3 गया 5 माइनस 5 बटे 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया रूट के अंदर 9 प्लस 5 का वर्ग 25 और बटे में 2। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9 हो गया और आपके लिए यहाँ पर 25 बटे में 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो गुणा कर देंगे 9 चौकू 36 और प्लस 25 और बटे में 4। तो आप देखिए 36 और 25 को जोड़ लो, 6 5 11 3 2 5 और 1 6 61 अपॉन 4, और ये आ जाएगा रूट 61 अपॉन में 4 का वर्गमूल 2।
आप देख सकते हैं यहाँ पर 61/2 आ गया, यानी इसका मतलब दूरियां बराबर हैं, PQ की दूरी QR के बराबर है। अगर PQ की दूरी, मैं आपके लिए बता दूं, अगर PQ की दूरी QR के बराबर है तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर PQ की दूरी QR के बराबर है, यानी RS की दूरी PS के बराबर होगी। ये भी आप निकाल सकते हो कि RS की दूरी PS के बराबर होगी, अर्थात यह एक वर्ग होगा। क्या होगा? यह एक वर्ग है, ठीक है। यानी जो PQRS बनेगा, PQRS वो एक वर्ग बनेगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आपके लिए बता दिया। अब हम आपके लिए जो 17वां क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है वो आपके लिए बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपके लिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और 17वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और आपके लिए यह प्रश्न कराया जा रहा है। देखिए क्या है प्रश्न, प्रश्न है एक त्रिभुज है, मैंने मान लिया यहां पर एक त्रिभुज है इस तरीके से ए बी सी, एक त्रिभुज है और उसमें बताया गया मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। तो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? अगर मान लो इसका मध्य बिंदु पी है, इसका मध्य बिंदु क्यू है, और इसका मध्य बिंदु आर है, तो इनके निर्देशांक आपके लिए दिए गए हैं। अब पी क्यू आर दिए गए, मैंने 1, 2 और इसी हिसाब से यहां पर 0, -1 इसके लिए, और इसके लिए दिया गया 2, -1 ये दिया गया है। अब आपके लिए क्या करना है, इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लिया मैंने शीर्षों के निर्देशांक यहां पर x1 है और दूसरा y1 है, इसके लिए मान लिया मैंने इसका x2 है, इसका y2 है, इसका मान लिया मैंने x3 है और इसका y3 है। तो ये तीनों हमने मान लिए हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब सिंपल सी बात है, जब ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं तो हमें इनके बीच में मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो निकालो, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालोगे तो क्या करोगे, x1 + x2 / 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर इसके 1 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर करेंगे y1 + y2 / 2 बराबर में 2, क्योंकि ये y1 + y2 मिलकर के बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, तो बराबर रखना पड़ेगा। यानी इसकी इस इक्वेशन आ जाएगी x1 + x2 = 2 इसी तरीके से y1 + y2 = 2 × 4 ये आ गया, ठीक है। अब हम इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे इस BC के, इस BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम लिखेंगे BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर BC के निकालेंगे यहां पर तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो x2 + x3 / 2 = 0 ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर y2 + y3 कर लो, y2 + y3 और / 2 - 1 ये हो जाएगा। इट इंप्लाइज इनको करके लिख देंगे, ये तो 0 के साथ 0 हो जाएगा, यानी x2 + x3 = 0 और y2 + y3 और = 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये दो समीकरण आपके लिए आ गई, ये वाली दो समीकरण और यहाँ पर दो समीकरण है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु, तो क्या निकालेंगे AC के मध्य बिंदु, यानी x1 + x3 / 2। देखो x1 + x3 / 2 = 2। इसी तरीके से y1 + y3 / 2 - 1 ये आ गया। यानी हम इनको इंप्लाइज करके लिख रहे हैं x1 + x3 और 2 × 4 ये हो गया। इसी तरीके से y1 + y3 = 2 − 2। अब ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुई हैं, देखिए हमें समीकरण 6 प्राप्त हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6
छह समीकरणों से हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के मान निकाल लें, यानी जितने भी यहां पर आए आपके लिए वो सब मान निकाल लें। तो सबसे पहले शुरू हम जीरो वाले से करते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास यहां पर दिया गया है ये एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर जीरो, यानी हम इससे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर जीरो, ये दिया गया है एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर जीरो। यहां से हम क्या करते हैं, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर जीरो दिया गया है, इसका मतलब यह है कि हमें एक मान निकाल लेना है। किसका मान निकाल लेना है, तो देखिए यहां पर एक्स टू का मान निकाल लो, एक्स टू बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स थ्री, एक्स टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स थ्री। ये एक्स टू का मान इसमें डाल दो, यहां पर ये एक्स टू का मान क्या है, कहां पर डाल देंगे, यहां पर, ये यहां पर डाल देंगे, यानी इसमें समीकरण में डाल देंगे। तो आप लिखोगे एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर में आपके लिए दे रखा है दो, बराबर में क्या दे रखा है दो। अब आप क्या करेंगे, इस एक्स टू का मान उठा के यहां रख दो, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू का मान माइनस एक्स थ्री है, ये रख दिया बराबर में दो, तो यहां हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स थ्री बराबर में दो, ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स थ्री बराबर टू दो। अब क्या करेंगे, ये एक्स वन माइनस एक्स थ्री बराबर दो है और यह है एक्स वन प्लस एक्स थ्री बराबर चार, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं एक्स वन प्लस एक्स थ्री बराबर चार दिया गया है और आपके लिए मैंने निकाल लिया है एक्स वन माइनस एक्स थ्री बराबर में दो, इनको सॉल्व कर लो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, प्लस प्लस प्लस, ये कट जाएंगे प्लस माइनस, आपके लिए बचेगा एक्स वन एक्स वन और ये मिलाकर के हो गया भैया टू एक्स वन और बराबर में चार और दो छः, तो एक्स वन बराबर हो जाएगा छः बटे दो, यानी दो तिया छः, एक्स वन का मान आ गया तीन, एक्स वन का मान तीन आ गया, ये एक्स वन का मान तीन उठा के कहाँ डाल दो, यहाँ पर, तो आपके लिए एक्स टू का मान आ जाएगा, यानी हमें एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर दो दिया गया है, एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर दो, तो हम यहाँ पर रख देंगे मान इसका एक्स वन का, तो हमारे पास तीन प्लस एक्स टू बराबर हो जाएगा दो, यानी एक्स टू बराबर हो जाएगा दो माइनस तीन, यानी एक्स टू बराबर हो जाएगा माइनस का एक, एक्स टू का मान माइनस का एक आ गया। इसी तरीके से हम अगले समीकरण को हल करेंगे, एक्स टू का मान आ गया, एक्स वन का मान आ गया, अगर एक्स टू और एक्स वन का मान आ गया, अब इसके बाद वाई वन से शुरू करो। अब देखिए वाई वन का मान यहां पर वाई वन प्लस वाई टू बराबर फोर है और इसी तरीके से यहां पर समीकरण बनी हुई है वाई टू प्लस वाई थ्री बराबर माइनस का टू, ये वाली। अब क्या करना है आपके लिए, y1 वाली वैल्यू देखना है सभी, तो आप क्या करोगे, इस y1 का मान निकाल लो, पहले इस y1 का मान निकाल लो, यानी यहां पर मैं सॉल्व कराऊंगा, यहां पर आपके लिए देखिए y1 का मान निकाल लेंगे, यहां से y1 प्लस y3 बराबर में माइनस का 2 लिखा है, y1 का मान मैं निकाल रहा हूं यहां पर, तो यहां पर y1 का मान मत निकालिए, इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। देखिये मेरे पास दिया गया y1 प्लस y2 बराबर ये 4 और उसके बाद y1 का एक समीकरण यहाँ दिया गया y2 प्लस y3 बराबर माइनस का 2 और यहाँ पर एक समीकरण वो दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे, एक वैल्यू कौन सी निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए, तो y3 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये y1 उधर चला जाएगा माइनस का y1, ये आ गया। अब ये y3 की वैल्यू किस में डाल दोगे, यहाँ पर डाल दो y3 की वैल्यू इसमें, तो y3 की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, यानी ये लिखा है y2 प्लस y3 बराबर में माइनस का 2 और यहां पर आपके लिए y3 का मान डाल दो, प्लस y3 का मान है माइनस 2 माइनस y1 बराबर में माइनस का 2, ये हो जाएगा y2 और ये प्लस की गुणा हो जाएगी माइनस का 2 और माइनस का y1 और बराबर में माइनस का 2, तो y2 माइनस y1 और बराबर हो जाएगा माइनस का दो, उधर चला जाएगा दो हो जाएगा, यानी वाई टू माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि वाई टू बराबर वाई वन होगा, वाई टू बराबर वाई वन हो गया। अब वाई टू बराबर वाई वन हो गया, जब तो वाई टू बराबर वाई वन हो गया, इसका मतलब हुआ वाई टू की जगह पर वाई वन डाल दो, तो यहां पर डाल देते हैं वाई वन प्लस वाई टू बराबर में चार और इसी तरीके से आपका आ जाएगा यहां पर y2 बराबर y1 है, तो y2 का मान y1 हो गया, यानी y1 प्लस y1 और बराबर में 4, तो हो जाएगा 2y1 बराबर 4 और y1 बराबर हो जाएगा 4 बटे में 2, तो 2 से काट देंगे यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से y1 का मान आ गया, अगर y1 का मान 2 आ गया है तो y1 का मान जब 2 है तो y2 का मान भी 2 होगा, यानी y2 का मान भी आपके लिए 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर सब मान निकाल सकते हैं, अगर y2 का मान आ गया तो 3 का मान भी आ जाएगा, तो यहां से 3 का मान निकाल लो, तो y2 प्लस y3 का मान, y2 का मान रख दो आप यहां पर, कितना है 2,
दो प्लस बाय थ्री बराबर माइनस का दो, तो बाय थ्री बराबर हो जाएगा माइनस का दो, और ये दो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का दो, तो बाय थ्री बराबर हो जाएगा माइनस का चार। इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे ही समीकरण को आपको सॉल्व करना है और सभी वैल्यूज आपके लिए निकाल लेनी है। तो आप यहां पर जितनी भी वैल्यू आएंगे एक्स वन बाय वन और एक्स टू बाय टू, एक्स थ्री बाय थ्री, तो वही आपके लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि वैल्यू को कैसे निकालना है। ये चार समीकरण जो दी गई है, एक दो और छह समीकरण, दो ये और दो यहां पर आपके लिए ये बनी थी टिम्पलाइज करके, दो ये चार और ये दो छह, इन समीकरण को सॉल्व करके आप सभी जो है वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप कैसे आपको सॉल्व करना है और सभी वैल्यूज को निकालना है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए समाप्त हो चुकी है। अगली नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगले नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नए कुछ सवालों के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।